हेडलाइंस में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 5 दिन में दूसरी बार बोले, भारत पाकिस्तान पर कभी भी कर सकता है सशस्त्र हमला। दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए इमरान दे रहे हैं ऐसे बयान। चीन को घेरने की तैयारी में अमेरिका, सीपीईसी समेत पाक को दिए गए ऋणों पर उठाया सवाल। पश्चिम बंगाल में एफन तूफान का कहर, पानी में डूबा कोलकाता एयरपोर्ट। तूफान से अब तक 12 लोगों की हो चुकी है मृत्यु। 1 जून से शुरू हो रही पैसेंजर ट्रेनों के लिए 2.5 घंटों में 4 लाख से ज्यादा हुई टिकटों की बुकिंग, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जारी किया बयान। तो मिली छूट के बाद पुलिस के पसीने छूटे, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर तीसरे दिन भी भारी जाम। कालिंदी कुंज डीएनडी सेक्टर 14A पर गाड़ियों का लंबा काफिला लग रहा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव और करनाल के पार्टी नेता पंकज पुनिया के विवादित बयान से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी। विवादित ट्वीट के बाद करनाल पुलिस ने पंकज पुनिया को किया गिरफ्तार। लॉकडाउन में यात्रा पास के लिए दादी के निधन का झूठा बहाना बनाकर बरेली से देहरादून पहुंचे 2 युवक, बेच रहे थे स्मैक, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में 58 दिनों के बाद खुली शराब की दुकानें, लोगों की लंबी कतारें लगी, कुछ जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक क्वारंटाइन सेंटर में 22 वर्षीय युवती का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश, 2 आरोपित गिरफ्तार। ट्रेन के बाद अब हवाई उड़ान की तैयारी, मेट्रो से मेट्रो सिटी के लिए 1/3 उड़ानों की मंजूरी। 25 मई से शुरू होगी घरेलू हवाई सेवा। नागरिक उड़ान मंत्री हरदीप पुरी ने दी जानकारी। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज़। नमस्कार।